शिक्षक अयूब, ये सब एक सवाल पूछ रहे हैं कि संसार में अच्छे से जीने का क्या अर्थ है। हमने नीति वचन को देखा, जिसे आप एक जवान तेजस्वी शिक्षिका के रूप में देख सकते हैं। वह बुद्धि को खोजने की बात कहती है। बुद्धि परमेश्वर का ऐसा गुण है जो जीवन की वास्तविकता में बुना गया है। वह आशा करती है कि बुद्धि का उपयोग करके आप एक सफल जीवन बना सकते हैं। हाँ, और फिर हम आते हैं सभोपदेशक पर, जो एक तीखी जबान वाले अधेड़ उम्र के आलोचक के समान है, और वह कहता है, आप सोचते हैं कि बुद्धि से आपको सफलता मिलेगी, तो आप फिर से सोचिए, क्योंकि सूरज के नीचे यहाँ जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। इस पुस्तक में उसने इस वाक्यांश का बहुत बार प्रयोग किया है, परंतु इस पुस्तक को समझने के लिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हम यहाँ दो आवाजें सुन रहे हैं। पहला है शिक्षक, जिसे हम आलोचक कहते आए हैं, वह इस पुस्तक की प्रमुख आवाज है, लेकिन उससे हमारा परिचय एक अन्य व्यक्ति अर्थात लेखक कराता है। इसने ही आलोचक के शब्दों को इकट्ठा किया और फिर पुस्तक के अंत में सब बातों का सारांश निकाल कर उसका निष्कर्ष प्रस्तुत किया। तो लेखक क्यों चाहता है कि हम आलोचक की सुने? वह संसार के प्रति आपके दृष्टिकोण को उलट पलट कर देना चाहता है, और वह आलोचक को अवसर देता है कि इस संसार में संबंधित तीन परेशान करने वाली बातों का अध्ययन करें। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ, तो सबसे पहले है समय का सफर। आलोचक कहता है कि एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, पर पृथ्वी हमसे पहले थी और बाद में भी बनी रहेगी। बहुत समय पहले के लोगों को कोई याद नहीं रखता है, और जो आने वाले हैं वे भी उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के द्वारा भुला दिए जाएंगे। तो इस वैश्विक स्तर पर आप और मैं छोटे से कण के समान हैं। तारे जन्म लेते हैं और फिर समाप्त होकर ग्रहों की परिक्रमा करने वाले नए तारों को बनाते हैं, और फिर वे ग्रह भी समय के साथ साथ बदलते हैं और अंत में भस्म हो जाते हैं। इस विशाल सृष्टि की पृष्ठभूमि में मेरा पूरा अस्तित्व समय काल में एक पलक झपकने के बराबर है। हाँ, और यह हमें आलोचक के दूसरे परेशान कर देने वाले विचार तक पहुँचाता है कि हम सब मरने वाले हैं। मनुष्यों और जानवरों का अंत एक समान है, अर्थात मृत्यु। सभी लोग, धर्मी और दुष्ट, भले और बुरे, जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं और जो नहीं चढ़ाते, उन सबकी एक ही मंजिल होती है। इतना परिश्रम और इतना पागलपन, और फिर हम जाकर मरे हुओं में जा मिलते हैं। अरे यार, यह पुस्तक तो निराशजनक है। और ऐसी ही अंतिम बात है जो आलोचक को परेशान करती है, वह है जीवन का अनियमित स्वभाव। परंतु नीति वचन में जीवन अनियमित नहीं है। सही काम करने और उसका प्रतिफल पाने के बीच स्पष्ट रूप से कारण और प्रभाव का संबंध दिखाई देता है। परंतु सच तो यह है कि जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता है। आलोचक को व्यवस्था प्रणाली में एक दोष दिखाई देता है। वह इसे संयोग कहता है। उसके शब्दों में, ना तो दौड़ में तेज दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं, और ना समझ वाले धन, और ना ही प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। उसका कहना है कि आप जीवन में किसी भी चीज को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। किसी भी बात का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। इसलिए अगर मैं जीवन पर नियंत्रण रखना चाहती हूँ, तो मैं अपनी असफलता की तैयारी कर रहा हूँ। पूरी पुस्तक में इन सभी परेशान करने वाली विचारों को बांधने के लिए आलोचक एक रूपक का प्रयोग करता है। लगभग 40 बार वह कहता है कि जीवन में सब कुछ हेवेल है। यह एक इब्रानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ धुआं या भाप है। धुएं के समान जीवन सुंदर और रहस्यमयी है। वह अपना एक आकार लेता है, और जब तक आप कुछ समझ पाएं, वह एक नया आकार ले लेता है। हाँ, धुआं ठोस दिखाई तो देता है, पर जैसे ही आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह आपके हाथों से फिसल कर निकल जाता है। और जब आप इसके बीच में फंस जाते हैं, जैसे कोहरे में, तो इसमें कुछ भी साफ साफ देख पाना असंभव है। हमारे बाइबल के आधुनिक अनुवादों ने इस रूपक को खो दिया है। वे हेवेल शब्द का अनुवाद अक्सर व्यर्थ के रूप में करते हैं, पर यदि आप ध्यान से पढ़े तो आलोचक यह नहीं कह रहा है कि जीवन अर्थहीन है, बल्कि यह कि उसका अर्थ कभी भी स्पष्ट नहीं है। धुएं के समान जीवन अस्पष्ट है, वह दिशाहीन और नियंत्रण से बाहर है। तो इन सब बातों का हम क्या करें? हैरानी की बात यह है
कि आलोचक सबसे पहले नीति वचन के दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। वह कहता है कि बुद्धि की बातें प्राप्त करना और परमेश्वर के भय में जीना बहुत अच्छी बात है। सच में मेरा मतलब है कि अभी अभी तो उसने कहा था कि यह सफलता की गारंटी नहीं है, पर वह जानता है कि ऐसा करना सही है। दूसरी बात जिसे वह बार बार दोहराता है वह यह है कि जब आप अपने जीवन को वश में नहीं रख सकते तो कोशिश करना छोड़ दीजिए, खुले हाथों से चीजें पकड़ना सीखिए, क्योंकि आपका वश केवल एक ही चीज पर है और वह इस पल के प्रति आपका दृष्टिकोण है। वह कहता है चिंता छोड़िए और किसी दोस्त के साथ बातचीत का आनंद ले या अपने चेहरे को धूप में सेके या जिन लोगों से आप प्रेम रखते हैं उनके साथ अच्छा भोजन खाए। जीवन की सरल बातें। हाँ, और भली और बुरी बातें दोनों, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर का बहुमूल्य वरदान है और यह सबोपदेशक की चकित कर देने वाली बुद्धि है। आलोचक की बात सुनना दुखदायी है और यह आपको कुछ अंधेरे स्थानों में ले जा सकती है। हाँ, इसलिए लेखक अपने शब्दों को इस पुस्तक के अंत में बोलता है। वह नहीं चाहता कि आप आशा खो दें। वह आपको नम्र और एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जो इस बात पर भरोसा रखता है कि जीवन अर्थपूर्ण है, उस समय भी जब आप उसे समझ न पा रहे हो, और यह कि एक दिन परमेश्वर इस हेवेल को साफ कर देंगे और जो कुछ हमने किया है उसका न्याय करेंगे। इसलिए वह हमें बताता है कि इन सब बातों का यही जवाब है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यही है सबोपदेशक की पुस्तक। अब बाइबल के बुद्धि साहित्य की एक और आवाज है और वह है अय्यूब की पुस्तक। वह बुद्धि प्राप्ति की हमारी यात्रा में हमें अंतिम और अत्यंत आवश्यक दृष्टिकोण तक पहुँचाएगी।